वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम आटे का चॉकलेट कपकेक बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इस कपकेक को बनाने में हमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है जिससे कि हम चपाती बनाते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है कोको पाउडर। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। यदि पाउडर शुगर आपके पास तैयार नहीं है तो आप मिक्सी में पीस के और अच्छी तरह से उसको छान के फिर ही इसमें ऐड करें। जो भी हम सामग्री डालेंगे सब अच्छे से छनी हुई होनी चाहिए। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 3/4 कप हमें चाहिए दूध। दूध जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, तो 3/4 कप हमने लिया है। 1/4 कप हमें डालना है तेल। 1/4 कप हमने यहाँ पर लिया है दही। दही जो है बिल्कुल मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। और हमें चाहिए वेनिला एसेंस, तो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। सभी को अच्छी तरह से हमें करना है मिक्स, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी लम्स और जो है गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए। इस तरह देख के सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी सूखी सामग्री में हमने जो अभी बैटर मिक्स किया था वो इसमें हम धीरे धीरे करके ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर इसमें डालना है और मिक्स करेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल भी जो है लम्स और गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए। देखिए इस तरह का जो है बैटर हमें रखना है, बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए, आप देख सकते हैं। तो आज हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, तो पहले हम कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें अब हम स्टैंड रख देते हैं और इस तरह के हम जाली भी रख देते हैं। इसको अब हम अच्छे से ढक देंगे। 5 मिनट हमें फुल फ्लेम पे और 5 मिनट हमें कम फ्लेम पे इसको प्री हीट करना है। कढ़ाई प्री हीट होती है तब तक हम कप को भी ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह के कप लिए हैं, आपके पास नहीं है तो आप कटोरी में भी बना सकते हैं। तो कप को हमें अच्छी तरह से ग्रीस करना है ऑयल से, तो चारों तरफ से मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ। और थोड़ा सा जो है हम इस पे आटा लगा लेते हैं ताकि जो है चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है, ये इस पे हम डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम कप में इनको डाल देते हैं, तो हमें कप को पूरा नहीं भरना है, ऊपर से थोड़ा खाली ही रखना है। इस तरह हम सभी में डाल देते हैं। तो सभी को हमने कप में डाल दिया है। थोड़ा सा अब हम लगा देते हैं चोको चिप्स। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को चोको चिप्स बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए अब इनको हम बेक करने के लिए रख देते हैं। अभी हमारी अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है, तो बड़े ध्यान से हमें ढक्कन को हटाना है। कप को मैंने इसमें रख दिया है, तो चलिए अब हम ढक देते हैं। अब इन्हें हमें 15 मिनट लो फ्लेम पर बेक करना है। यदि आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए इसको हमें बेक करना है। तो जब 15 मिनट हो जाएंगे तब हम इसको चेक कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए एक बार हम इन्हें चेक कर लेते हैं। बहुत ही गर्म है, वाव, आप देख सकते हैं कितने अच्छे जो है कपकेक हमारे बनकर तैयार हुए हैं। कितनी अच्छी इस पे जाली आई है ये भी आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे। बहुत ही अच्छे कपकेक हमारे बनकर तैयार हुए हैं। जब हमने इनको भरा तब आपने देखा था ये इतना सा था और फूल के जो है कैसे डबल हो गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह हल्का सा हम इनको घुमाएंगे और ये निकल जाएगा। अब इसे हम उल्टा कर देंगे, बड़ी आसानी से निकल जाता है। आप देखिए कितना अच्छा जो है कपकेक हमारा बनकर तैयार हुआ है, कितनी अच्छी इसमें जो है जाली आई है। ये देखिए कितना अच्छा जो है स्पंज इसमें आया है, दबाने से ही पता पड़ रहा है। इस तरह हम सभी को निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे कपकेक जो है हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी जाली आई है और बहुत अच्छा जो है इसमें स्पंज आया है, ये देखिए। जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए।
यकीन मानिए बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। इसको बनाने में भी कोई हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी जाली है बनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा जो है कपकेक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसका स्पंज से ही आपको पता लग जाएगा। ये देखिए इस तरह आप घर पर जो है इसको आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।